नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दर्शकों, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति उसे समझेगा उसका जीवन निश्चित सफल होगा। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल तीन शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अव्यवहारिक कार्य बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले तो युद्ध करे। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है।
लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो समझ लीजिए आप उसकी अकेले ही करने में सक्षम हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है, यह पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। कोई सराहना करे या निंदा लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते क्योंकि वह जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। हमें हर संकट से सीख लेनी चाहिए ना कि उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। आसानी से हार मत मानो, जो सही है उसके लिए लड़ो। आखिर में धर्म की जीत होगी। किसी की सहायता करने से सदा ही शक्ति बढ़ जाती है। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो साथ काले कर देता है। निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। धैर्य रखना, दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है अगर विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। जो मनुष्य सब कुछ खोकर शांत और एकाग्र रहे वो जीत है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। मन की बेचैनी का चैन की प्रति खिंचाव ही प्रेम है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। प्रेम अगर करुणा बनके आंखों से ना बहे तो समझो वो प्रेम अंतर मन से उतरा ही नहीं। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमस पर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें।
जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से हजार गुना प्रभावशाली और स्थायी होती है। क्रोध तो दो क्षण का होता है, परंतु उसका दुष्परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग ही आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है। ईश्वर पर अटूट आस्था व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरूर नहीं। कुछ क्षण की शांति के लिए प्रतिदिन सत्यों को निरंतर अनदेखा कर दिया जाता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। इंसान भूल करके सीखता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता ही जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर उनको स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। लोग बिना बात का ज्ञान देंगे साथ नहीं। हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। जो देर से मिलते हैं वो दूर तक चलते हैं, सब्र और भरोसा रखिए। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब ही जाते हैं। अच्छे कर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले रहना पड़े। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं
और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जिसके तुम काबिल हो। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छा को कभी मरने नहीं देता। कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। गिरे हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। दूसरों से अपने मतलब के लिए बात करने वाला व्यक्ति अंत में अकेला ही रह जाता है। परिवार का साथ आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। हीरा परखने वाले से अधिक महत्वपूर्ण पीड़ा परखने वाला होता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जहां अपना वश नहीं है वहां मोह करना ही दुख है। अहंकार के वृक्ष पर विनाश का ही फल लगता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। जब संदेह की मात्रा अत्यधिक हो तब निर्णय लेने में समय लगाना अधिक लाभकारी है। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जो कमाई जाती है, पाई नहीं जाती। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। जो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है वह मनुष्य अपने लिए दुख का बीज बोता है। युद्ध से पहले तुम डर जाओगे तो तुम मरने से पहले ही मर जाओगे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। दो बातों से बचकर रहें, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अहम, सबको मेरी जरूरत है, वहें। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर ज्यादा यकीन हो। क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छी बात। भलाई करने वाले को बुराई कभी पराजित नहीं कर सकती। मनुष्य की सोच और विचारधारा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। जो आपकी खामोशी को ना पढ़ पाए उसे बोलकर अपना दुख बताना समय व्यर्थ करने जैसा है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आप जिसे बल से नहीं हरा सकते उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हैं।
गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डूबा ही देता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जिंदगी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत होती है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। जिसने पहला कदम उठा लिया है वो अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले में ही है, अंतिम में नहीं है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है। आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, एक दिन यह शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। पहली बात तो वैराग्य है। श्री कृष्ण हमारे कर्मों के परिणामों से वैराग्य के महत्व पर जोर देते हैं। वे हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमें संतुलित और केंद्रित रहने में मदद करता है। दूसरी बात है निस्वार्थ सेवा। श्री कृष्ण हमें दूसरों की निस्वार्थ सेवा का मूल्य सिखाते हैं। वह हमें बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरों के लिए हमारे प्यार और कृतज्ञता व्यक्त करने के साधन के रूप में, इससे हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति की भावना पैदा करने में मदद मिलती है। तीसरी बात है माइंडफुलनेस। श्री कृष्ण हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत और जागरूक होने के महत्व पर जोर देते हैं। वे हमें स्थिर प्रज्ञा की स्थिति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जहां हम चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने में शांत और रचित रहने में सक्षम होते हैं। चौथी बात है आस्था यानी श्रद्धा। श्री कृष्ण हमें एक उच्च शक्ति या दैवीय शक्ति में विश्वास रखने का मूल्य सिखाते हैं। वह हमें अपने अहंकार और ब्रह्मांड में विश्वास को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह जानते हुए कि सब कुछ एक कारण से होता है और यह कि हम हमेशा ध्यान रखते हैं। और पांचवी बात है आंतरिक शांति। श्री कृष्ण हमें आंतरिक सुख और शांति के महत्व को सिखाते हैं। वे हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने आसक्तियों और इच्छाओं को छोड़ दें और वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अनुभव करने पर ध्यान केंद्रित करें। बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना यह हमें आंतरिक शांति और संतोष पाने में मदद करता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं कि हम कैसे अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। वैराग्य, निस्वार्थ सेवा, ध्यान, विश्वास और आंतरिक शांति की खेती करके हम जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और सहजता से नेविगेट कर सकते हैं और रास्ते में अधिक आनंद और तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो,
लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं। एक है परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगा। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं, रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं, भूलो उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जिंदगी में इंतजार करना सीखो। जो शब्द के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक दुनिया पूछेगी, भाई तू कैसा है? जन्मों जन्मों से टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, बस सामने वालों को आपसे काम पड़ना चाहिए। अपनी सफलता का रोब अपने माता पिता को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी हार कर आपको जिताया। यदि जिंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, इसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। दुनिया में दो सबसे ज्यादा असंभव काम माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर हैसियत से बाहर चीजों को नजरअंदाज कर ही देते हैं। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में जगह नहीं मिलती। अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उससे ऊपर है। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये मत सोचना वो कितना बेवकूफ है, बल्कि ये सोचिए उसे आप पर विश्वास कितना है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है वो एक दिन खत्म हो ही जाती हैं। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो।
वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टाल दो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन करता है हार मान लू, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। ये वो दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सिखा क्या एक दूसरे को नीचा दिखाना। जीवन में इतना संघर्ष तो कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। कुछ घर की जिम्मेदारियां उड़ा देती हैं नींदें। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदारों को समझना। लोग बदलते नहीं, बेनकाब हो जाते हैं। कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला मोज में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। गैर थे कौन, अपने थे कौन, हम ये समझ ना पाए। हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। हार से डर जाने से बेहतर है जीत की कोशिशों में मर जाना। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू की जाती है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आप जितना कम बोलोगे लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। वक्त अच्छा जरूर आता है, पर वक्त पर ही आता है। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बातों में होता है। बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि मांगने आया है, हो सकता है सब कुछ बांट के आया है। एकता जब मिट्टी ने की तो ईंट बन गई, जब ईंट ने की तो दीवार बन गई, दीवार ने की तो घर बन गया। ये तो बेजान चीजें हैं साहब, जब ये एक हो सकती है तो हम तो फिर इंसान हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसकी योजना बनाइए। योजना बनाने में लगा एक मिनट आपका 10 मिनट बचा सकता है। जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं हो वो ही मुर्दा है, अरे जिसमें इंसानियत ही न हो वो कौन सा जिंदा है। बेहतरीन सुबह वही होती है
जो अपने भगवान के जिक्र से शुरू होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।